हेलो, हाँ कोकराज टोल से बोल रहे हो? हाँ कुंडा से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ अरे वो मित्र है, वो वेलकम ढाबा वाले जो है, उनकी गाड़ियों का थोड़ा से ख्याल करके काम करो ना। ऐसा 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 का ऐसा हाँ, वजूद की ट्रकें हैं दो तीन थी, उनका जो है देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना होने पावे। नहीं नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर पाओगे? वही जो 2 साल पहले नहीं हुआ तो वो नहीं करवाने पे नहीं लगे हो क्या? हाँ हाँ ठीक, ठीक है ठीक नहीं उसको देख लेना, ठीक वो नहीं जो है उसको ज्यादा जो है दिक्कत ना आने पावे। प्लाजा पर आए दिन बालू गाड़ियाँ, मिट्टी गाड़ियाँ, ओल्ड रोड गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। उनका हम टोल टैक्स वगैरह ओल्ड रोड लेते हैं। बड़ी धमकियाँ आ रही हैं, आए दिन बड़ी धमकी दे रहे हैं हमको। मैंने कई रोज करीब करीब पढ़ रहे हैं, यहाँ से एप्लीकेशन जा रहे हैं। बीरे तोड़ के बगल लोग यहाँ से बीरे तोड़ने की एप्लीकेशन दी, अभी तक कागज कुछ नहीं। मैंने सब पुलिस विभाग को सबको बता रखा है, थाने में सुनना दे रही, पर किसी को कार्रवाई नहीं, न किसी गाड़ी वाले को पकड़ा। जब गाड़ी वाले बिंदास घूम रहे हैं यहाँ पे, यहीं की गाड़ियाँ, वो नंबर सही गाड़ियों का नंबर दे रहा था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। प्लाजा के डिप्टी मैनेजर हैं आरएल पाटीदार, इनको 2 फोन नंबरों से अलग अलग कल धमकी आई है। इस पे इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर मुकदमा कायम करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन नंबरों की जांच होगी, किसने ये धमकी दी है ये पता करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी इस बारे में हम कह नहीं सकते। धमकी में राजेंद्र सिंह का नाम आया है कि मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। कौन है राजेंद्र सिंह या कौन जो भी है जो उस नंबर को यूज़ करता है, जिसने भी धमकी दी है उसको पता करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस का है तो भी कार्रवाई होगी। सर, रातों दिन टोल प्लाजा से गाड़ियां बैरियर तोड़ के निकलती हैं, मामले की शिकायत कोखराज पुलिस जो की गई। भी शिकायतें मिलती हैं उनमें मामले दर्ज किए जाते हैं। पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं कि चूंकि काफ़ी फास्ट ट्रैफिक है तो तोड़ के निकलती हैं, FIR कायम की जाती हैं और उनको यथासंभव ट्रेस करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।